आज हम बात करना चाहते हैं हजरत कुतुब आलम सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जहान यानी जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे और बाद में इनके औलाद में से हजरत शाह आलम सोहरवद्या सिलसिले के एक और नामी बुजुर्ग पिता। कहा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में इनके चाचा के साथ में ये अहमदाबाद आए थे और जब ये अहमदाबाद आए उस वक्त अहमद शाह बादशाह मौजूद थे और वो उनके सामने गए, उन्होंने उनके मेहमान नवाजी की, उन्हें अपने दरबार में बुलाया, दरबार में उन्होंने अपने तख्त पर उनको बिठाया और उनके सामने खड़े रहकर जिस तरह से शायर जो होता है बादशाह के सामने खड़े होकर जब अपने कसीदा सुनाता है इसी तरह से उसने भी कसीदा सुनाया अहमद शाह बादशाह ने। आप बहुत खुश हुए तो अहमद शाह बादशाह ने कहा कि हमको कुछ दुआ दीजिए। तो आपने फरमाया कि दुआ तो हमारे दादा ने आपको दे दी। बोले मुझे अपने लिए कोई दुआ नहीं चाहिए, मैं अपने शहर के लिए दुआ मांगता हूँ। तो आप बहुत खुश हुए और आपने कहा अहमदाबाद हमेशा हमेशा रहे, हमेशा हमेशा ज़िंदा रहे, हमेशा हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, ऐसा शहर बने। तो उसे अरबी में हम यूँ कहते हैं अहमदाबाद अबदुल आबाद। जिस वक्त आप वहाँ पर आए थे तब आपने वहाँ पर एक किसान था, उसकी ज़मीन आपको पसंद आई थी, तो हज़रत ने उस किसान से कहा, हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने किसान से कहा कि ये आप ज़मीन हमें फरोख्त कर दें। किसान ने कहा कि नहीं, आप हमारे पास से तोहफे में ले लें। तो आपने उनकी बात को नहीं माना और किसान को उसकी कीमत देकर उन्होंने लिया। उस किसान का नाम वटवा था, तो उन्होंने इस ज़मीन का नाम वटवा रखा। जब आप गुजर गए उसके बाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन जो अहमद शाह सेकंड या अहमद शाह दोयम कहलाते थे, उन्होंने आपके कब्र अनवर पर एक छोटा सा हुजरा तामीर करवाया। अगर आप जब कभी वहाँ जाएंगे तब आप देखेंगे या जिस तरह से आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि आपकी जो आपका मकबरा है उसके बीच बीच में एक छोटी सी सफ़ेद दीवार है और उसके ऊपर एक ग्रीन रंग का छोटा सा गुंबद बना हुआ है। तो ये जो छोटा मकबरा है ये अहमद शाह दोयम ने बनाया था और उसके बाद महमूद बेगड़ा जो थे सुल्तान महमूद बेगड़ा, उन्होंने बाद में इस पर एक अजीमुशान मकबरा ताबीर करने की शुरुआत की थी। उसमें उन्होंने आसपास में एक बड़ा तालाब भी बनवाया था, बाजू में एक मस्जिद भी तामीर की और उसके बाद में इसको एक बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बनाना शुरू किया, जो हम दो मंजिला इमारत जिसको हम कह सकते हैं। और ऐसी दो मंजिला इमारतें बहुत कम देखने में आती हैं जहाँ पर इस तरह का मकबरा बनाया गया हो। जब हम कुतुब आलम साहब के मकबरे को देखते हैं और आलिशान मकबरे को देखते वक्त हमें ऐसा पता चलता है कि कुछ आर्क इस तरह की हैं कि जिसके ऊपर हमें कोई बंधी हुई या कोई इमारत नहीं दिखाई देती। कई मरतबा ऐसा सोचने लगते हैं लोग कि शायद किसी जलजले के वजह से इसके बनी हुई इमारत टूट गई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये इमारत तामीर हो रही थी उस वक्त हो सकता है कि कोई ऐसी वजह बन गई होगी जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ने के बाद में सुल्तान ने सोचा होगा हम बाद में पूरा करेंगे, लेकिन वो बाद में पूरा नहीं हो सका। और हम देखते हैं कि उसी तरह से उसकी अधूरी हालत के अंदर ही हम देखते हैं कि मकबरे के चारों तरफ जो है इस तरह की हमको आर्क देखने मिलती है और ये आर्क हमें बताती हैं कि हर आर्क के ऊपर एक गुंबद बनने वाला था। फारसी का एक जो है चार लाइन लिखी हुई हैं और ये जो कथा है उस कथा में आप लिखने वाले ने हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के जो ये मकबरा है उसकी तारीफ़ बयान की है और वह तारीफ़ इस तरह से है, मैं उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह आसमानों के शहंशाह हैं, वो पहली लाइन है। उनके रोज़ा अकदस की अजमत और शान से आसमानों की जाहो जलाली में इजाफा हो गया है।
ये दूसरी लाइन है। कब लजी आसमान नुमा टोपी बेसर थी, ये तीसरी लाइन है। और उनका गुंबद कलाए आसमानी के लिए सर बन गया, ये चौथी लाइन है। उसके अब नीचे तो लिखने वाले का नाम है और उसने 1029 में ये लिखा है, ये बात अंदर लिखी।